Hello students, I hope all are you good. Now here I am come with the next topic of 11th class trigonometric function. Now students, here we study the graphs of trigonometric function. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन हियर वी गो, द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, वेयर एक्स आपका जो लाई कर रहा है वो माइनस पाई से पाई के बीच में है. इंटरवल आपको दे दिया है माइनस पाई से पाई के बीच में. तो उसकी वैल्यूज जो है वो मैंने इस तरह से आपने टेबल बनानी है और टेबल पे आपने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी है. यहाँ पे एक्स लेंगे तो x की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं माइनस पाई. माइनस पाई का मतलब माइनस 180, देन माइनस 150, 120 और माइनस पाई से पाई के बीच में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आप ले लोगे. इन एंगल्स की वैल्यू के बाद साइन x की वैल्यू हम देखेंगे. साइन x की वैल्यू जैसे कि आप माइनस 180 पर साइन x की वैल्यू जीरो होती है, सो जीरो आ गया. माइनस 150 पे उसकी वैल्यू माइनस 1/2 होगी, माइनस 120 पे माइनस √3/2, माइनस 90 पे माइनस 1. इस तरह से हमने साइन एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. अब इनको 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 लाइक दिस. तो पॉइंट में इस तरह से डेसिमल फॉर्म में मैंने इनकी वैल्यू लिख ली है. एंड हेयर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है. तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले मैंने एक्स को 180 लिया, तब आपकी साइन एक्स की वैल्यू जीरो है. तो यहाँ से हेयर वी स्टार्ट और ऐसे ऐसे करके हम इसका ग्राफ करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके डिफरेंट डिफरेंट वाईज मिलेंगे एक्स के ऊपर वाईज, और फिर एक कर्व आपके पास आ जाएगी. ओके तो टू स्ट्रेट लाइन आपने ओ एक्स और ओ वाई ये ड्रॉ करी है म्यूचुअली एट राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पे है. और एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ओ एक्स में और वाई आपका है साइन एक्स अलोंग ओ वाई. ओ वाई एक्सिस में ये आपका ओ है ओरिजिन, ओ वाई एक्सिस में आपका साइन एक्स करेगा. तो प्रॉपर स्केल लेकर ओ एक्स और ओ वाई को हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. ये आपके एक्स हो गए हैं और ये आपका वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, आपका वाई साइन एक्स है. तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ यहाँ पे पॉइंट्स को लेकर प्लॉट करेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे रफ हैंड से, बिल्कुल रफली आपने कर्व लाइक ये ज्वाइन करना है. तो दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये किसका ग्राफ आ जाएगा साइन एक्स का. तो ये वैल्यू आपको इस तरह से टेबल मिलेगी और ऐसे आपने इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आता है दैट इज द ग्राफ ऑफ कोस एक्स. अब कोस एक्स का इंटरवल थोड़ा चेंज हो गया है और कोस एक्स का इंटरवल जो एक्स है वो लाई कर रहा है माइनस पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री. माइनस पाई बाई थ्री का मतलब है माइनस 60, तो माइनस 60 से लेकर, और टू पाई बाई थ्री का मतलब होता है टू इंटू 180 बाई थ्री यानी कि 120 डिग्री. तो 120 और माइनस 60 के बीच में हम इन वैल्यूज को लेंगे और कोस एक्स की वैल्यू आपको पता है कि माइनस 60 पे कितनी होगी, दैट इज माइनस 1/2. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.5. लाइकवाइज हम इनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे. ऐसे पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे और पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पे आप कहेंगे कि कॉस माइनस 60, अब आपको पता है कि कॉस माइनस 60 यानी कि कॉस माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स ही, तो इसमें कोई भी वैल्यू आपकी क्या नहीं आएगी, नेगेटिव. लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है क्योंकि 120 को हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस, दैट इज 180 प्लस 60, और 180 प्लस 60 आपका 180 में कुछ ना कुछ प्लस कर रहे हो. 180 में जैसे ही हम प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तब ये एंगल आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. तो आपने पहले भी पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने साइन का ध्यान रखना है. कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल ही होता है, तो एवरी पॉजिटिव, ये वैल्यूज आपकी सारी पॉजिटिव ही आएंगी. ठीक है, 120 पे आपका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि 180 प्लस 60 लिखेंगे. पाई प्लस एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है. सो हियर वी गो विद द नेगेटिव वैल्यू. सो ऐसे हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, यहाँ पे एक्स वाई पॉइंट आपने यहाँ से प्लॉट कर लिया और एक बिल्कुल रफ हैंड से एक कर्व आपने ड्रॉ कर दी. दैट इज द, देखिए अब 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है 0.5. लाइकवाइज ऐसे ही 45 पे 0.71, 30 डिग्री पे नेगेटिव ले रही हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -30 पे 0.87. ऐसे ऐसे आपकी ये कर्व की वैल्यूज आएंगी और ऐसे आपने पॉइंट्स को बिल्कुल रफ हैंड से ऐसे कर्व ड्रॉ करनी है. दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स, और एक्स जो है वो कहां से कहां तक है, -90 से +90, यानी कि एक्स की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है आपकी, -90 डिग्री प्लस 0 डिग्री.
से 90 माइनस 0 डिग्री के बीच में। तो यहां देखिए टेंजेंट 90 पे आपकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। तो ऐसे इन्फिनिटी में जा रहा है ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। माइनस 60 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1√3, और रूट थ्री की वैल्यू होती है आपकी 1.73। 45 पे आपकी वैल्यू टेंजेंट की 1 ही होती है। तो ऐसे ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 को कैलकुलेट करेंगे देन इट विल गिव 0.58। तो ऐसे मैंने ये स्केल ले लिया, आपके x हो गए और ये y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। तो x y के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और जब आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो देखिए 0 पे टेंजेंट 0 पे 0 होता है, फिर टेंजेंट 30 पे आपका ये पॉजिटिव साइड चला जाएगा, देन टेंजेंट 45, देन टेंजेंट 60 एंड देन टेंजेंट 90 यानी कि गो टू इन्फिनिटी। ऐसे नेगेटिव पॉइंट में आएंगे जब टेंजेंट -30 इज -0.58, देन -1, देन -1.73 एंड सो ऑन, और ये गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स। यहां से इसकी डोमेन रेंज के बारे में भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता लगता है। तो ये आपके एक्स एक्सिस एक्स को दर्शाएंगे और वाई एक्सिस आपका जो ग्राफ है टेंजेंट एक्स साइन एक्स कोस एक्स उसको लेंगे। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स। नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज अवर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और वो भी आपको किसके बीच में लेना है, बिटवीन 0 to 2π, यानी कि कंप्लीट एंगल हो गया आपके 0 से 2 पाई के बीच में, यानी कि 0 डिग्री से लेकर और हम पूरा 360 तक इस वैल्यूज लेंगे। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखिए हमने मैंने कैसे लिए हैं। एक्स की वैल्यू मैंने लिए 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, यानी कि 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यूज हो गई है, देन 2π/3, 5π/6 और पाई। तो ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज आप बीच में लेंगे, उसके बाद 7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6 एंड देन दैट इज 2π। तो ये आपका आ गया पाई से 270 के बीच में और ये 270 से 360। तो ऐसे चारों क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज को मैंने ले लिया है। अब इन वैल्यूज के ऊपर पहले मेरे को ग्राफ जो ड्रॉ करना है उसको देखेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो पहले साइन एक्स की वैल्यू को लिया मैंने डिफरेंट डिफरेंट, फिर कॉस एक्स, और उन दोनों वैल्यूज को फिर मैंने क्या कर दिया, एड कर, एड करके आपके पास आ गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे एड करेंगे और दैट इज दैट विल गिव योर डिजायर रिजल्ट। तो यहां देखिए पहले अपना 0 डिग्री, पाई बाय 6 का मतलब होता है कि साइन 30 डिग्री पे आपकी वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 30 होता है √3/2। दोनों को ऐड करेंगे दैट विल गिव 1.732, यानी कि ये आपको देगा 1+√3/2, और उसको कैलकुलेट करके हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया दैट विल 1.732 7 37। नाउ नेक्स्ट भी इसको भी ऐसे ही ऐड करोगे दैट विल आल्सो 1.37। तो देखिए यहाँ पे आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री पे दोनों पे आपकी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू सेम आ रही है दैट इज 1.37 1.37। नेक्स्ट ऐसे ही पाई बाय 2 पे साइन 90 आपका कितना होता है 1, जबकि कॉस 90 आपका कितना होता है 0, तो 1+0 दैट विल गिव 1। सेम ऐसे ही साइन आपका 2π/3 पे इसकी वैल्यू है 3/2, और इसकी वैल्यू है -1/2, यानी कि √3 -1/2, और इसको कैलकुलेट करा तो ये आ गया 0.37। तो ऐसे आपने ये अलग अलग वैल्यूज लेनी है अलग अलग एंगल्स के बीच में, साइन एक्स की अलग, कॉस एक्स की अलग, और फिर उनकी वैल्यूज को आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक्स और वाई को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस आपकी ये है, ये आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एंगल्स ले लिया है दैट इज π/6 π/3 π/2। ये इंटरवल आप बिल्कुल सही से लेंगे, जो कि x और y को हम लोकेट कर रहे हैं वो सही से आपको अच्छे से लेना है। तो फॉलोइंग टेबल हमारे को वैल्यू देगी साइन x प्लस कॉस x की, उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अब वे वैल्यूज को मैंने रिप्रेजेंट किया है x एक्सिस अलोंग ओ एक्स, और कोरस्पॉन्डिंग साइन x प्लस कॉस x को अलोंग ओ वाई मैंने रिप्रेजेंट किया। नाउ प्लॉटिंग द पॉइंट्स गिवन बाय द लास्ट टू कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन द फर्स्ट रो एंड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट बाय फ्री हैंड, फ्री हैंड से मैं फ्री हैंड कर्व से इनको ज्वाइन कर दूंगी, दैट विल गिव यू द डिजायर कर्व। सो आप यहाँ पे देखोगे कि कॉस आपको जब भी जीरो पे, जब आपका साइन जीरो है और ये वन है तो इट विल गिव वैल्यू 1। तो यहाँ 1 से आपका स्टार्ट होगा, और ऐसे ऐसे आप डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे अलग अलग एंगल्स में, प्लस माइनस की वैल्यूज दोनों लिए, तो ये आपका कर्व आ जाएगी। बिल्कुल फ्री हैंड से आपने इसको ड्रॉ करना है। दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हमारा आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5 sin x। 5 sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, बिटवीन अब वही लेना हमें 0 से 360। साइन एक्स का कर्व हमने बहुत ही इजिली यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये साइन एक्स का कर्व था
ठीक है, जो हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। और अब मुझे 5 साइन एक्स करना है। तो यहाँ देखिए मैंने टेबल जो बनाई है वो एक्स की वैल्यूज ली हैं अलग अलग एंगल पे, और वो क्या है आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ऐसे अलग अलग वैल्यूज लेते हुए मैं कहाँ तक गई हूँ, 360 तक, यानी कि 0 से 2 पाई चारों क्वाड्रेंट में मैंने डिफरेंट वैल्यूज ली है। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू देखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू पे पहले भी हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। 5 साइन एक्स करना है, यानी कि जो साइन एक्स की वैल्यू है उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन एक्स की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 साइन एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, और यहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई के पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। देन आपको इसके अंदर प्लॉट करना है गिवन टेबल, इस टेबल को अबो, और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बाय बिल्कुल फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व से इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे एंड द कर्व रिप्रेजेंटिंग 5 साइन एक्स फ्रॉम 0 to 360। ये जो कर्व एक और मैं ड्रॉ करके दिखाइए, ये साइन एक्स की है, सिंपल साइन एक्स, और ये 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तो देखिए दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ दीज टू। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 5 साइन एक्स। तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है स्टूडेंट्स, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 साइन एक्स इंटू 2x+30। यानी कि ग्राफ करना है 2 साइन एक्स 2x+30 का, यानी हम अब एक्स की वैल्यू लेंगे अलोंग वही एक्स एक्सिस यानी कि ओ एक्स में, और ओ वाई पे हम वैल्यू लेंगे 2 साइन 2x+30 की। तो ये जो गिवन कर्व जो आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, अब वैल्यू कहां से ली है मैंने, 0 से 180 के बीच में। अब 0 से 180 के बीच में वैल्यूज ली है, तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 एंड 180। अब यहाँ पे एंगल को आप देखिए 2x है, यानी x का क्या कर देना है, ट्वाइस, तो ट्वाइस करा मैंने 2x, फिर प्लस उसमें 30 करना है तो 2x+30, तो 2x आपने लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एंगल्स आ गए, फिर 2x में 30 डिग्री को ऐड किया, देन दिस एंगल बिकम दिस, ये एंगल बन गए। अब साइन लेना है, अब साइन 30, यहाँ पे इस एंगल बन चुका है, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 1/2, देन साइन 150 That is 180+30, और साइन 180+30 जब आप करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, 180-30 करेंगे दैट इज 150, बिकॉज साइन आपको 180-30 करेंगे दैट विल गिव साइन 150 की वैल्यू होगी, 150 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब 180-30, तो 180-30 यानी 180 में से माइनस किया है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये साइन 30 की वैल्यू आएगी। तो साइन 150 पे वैल्यू जो होगी वो वही होगी जो साइन 30 पे होती है, यानी कि 1/2। फिर अगेन आपका -1/2 आ जाएगा किस पे, 210 पे भी आप लिखोगे नेगेटिव -1/2। सिमिलरली ऐसे वी कैन फाइंड द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। फिर उसका ट्वाइस करना है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x+30, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x+30, यानी कि इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1/2 दैट विल गिव 1, 1 × 2 2, अगेन 1 -1, तो दैट विल गिव द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले एक्स को आपने 0 लिया है और वाई आपका ये होगा, वाई आपकी कर्व कौन सी है, 2 sin x 2x+30, ये आपका वाई, तो एक्स ये वाई ये, तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 0 1, तो 0 1 पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे, ये आपका एक्स आपका 0 है और वाई आपका 1, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका कौन सा, 30 एंड 2, तो 30 डिग्री और 2, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने एंगल्स लिए हैं और वाई एक्सिस के अलोंग दिस, तो 30 पे 2, ऐसे पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है। जब ये पॉइंट्स आपके सारे प्लॉट हो जाएंगे, ग्राफ आप बहुत बार कर चुके हैं, तो इनको फ्री हैंड से, फ्री हैंड कर्व आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो ये फ्री हैंड कर्व से इसका ग्राफ नोटेशन आ जाएगी, दैट इज द ग्राफ ऑफ 2 sin 2x+30। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द ग्राफ ऑफ वाई साइन एक्स एंड वाई 2 cos x बिटवीन 0 to 180 हमें ड्रॉ करने हैं ऑन द सेम एक्सिस, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो ग्राफ हमें इकट्ठे ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको पता ही है कहां से कहां तक लेनी है, 0 से 180 के बीच में लेनी है, सो वी कैन ड्रॉ हेयर 0 to 180 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 180। अब यहां पे देखिए सबसे पहला जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे दैट इज वाई साइन एक्स का, तो साइन एक्स की वैल्यू हमें मुझे पता है कि 0 डिग्री पे साइन 0 ही होता है,
है, और 30 डिग्री पे 1 बाय 2 यानी कि 0.5। सिमिलरली 45 डिग्री पे 1 बाय रूट 2 इट मीन 0.71। तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया है मैंने पहली कर्व का ग्राफ, दैट इज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स, बट 2 कॉस एक्स के लिए सबसे पहले कॉस एक्स को करेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से मेरे को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल जाएंगे। अब वाई साइन एक्स और वाई 2 cos x को मैं क्या करूंगी यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी, दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू 2 cos x के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जब y साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 स्टार्ट होगा। साइन x का ग्राफ आपको वैसे ही पता है कि 0 से 180 पे ऐसे इंक्रीजिंग कर्व इस तरह से आती है, तो ये ग्राफ हो गया आपका y साइन x का। फिर y 2 cos x का जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ तो वहां पे देखिए पहले आपका cos, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x 0 तो y 2, तो यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और इसकी वैल्यूज को जब आपने ड्रॉ किया तो ये वैल्यूज आ रही है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y 2 cos x। तो ऐसे ऐसे किसी का भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक ही एक्सिस में दो ग्राफ हम सिमिलरली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो दैट इज द ग्राफ नोटेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो थैंक यू।